हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों को एंड्रॉइड किंग यूट्यूब चैनल पर। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज इस वीडियो पर लाइक कर दीजिए। मैं इस वीडियो पर लाइक एमर कर रहा हूँ 1000 लाइक्स, तो प्लीज इस वीडियो पर 1000 लाइक्स कर दीजिए। और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को देने वाला हूँ GTA 5 का मॉड, और आपको इसमें बहुत ही अच्छा ग्राफिक्स मिल जाएगा। आप लोग यहाँ पर स्क्रीन पर देख ही सकते हैं, और आप सभी लोगों को इसमें बहुत ही सारा GTA 5 का चीज मिल जाएगा। तो अगर आपको ये GTA 5 के मॉड को अपने एंड्रॉइड डिवाइस में डाउनलोड करके प्ले करना है, तो आप लोग वीडियो को एंड तक देखते रहिए। मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा इसको कैसे डाउनलोड और कैसे इंस्टॉल करना है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करिए, और अगर अपने चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ उस बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे GTA गेम्स के रिलेटेड वीडियोज डेली लाता रहता हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain
felt is paid for. All is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it. तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर अपना प्ले स्टोर को ओपन कीजिए और प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद यहाँ पर सर्च कीजिए CPU Z और ये वाली एप्लीकेशन को यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए और डाउनलोड करने के बाद इसको यहाँ से ओपन कीजिए और ओपन करने के बाद यहाँ से नीचे आइए, आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा GPU रेंडरर। तो आपको यहाँ पर अपना GPU देख लेना है। अगर आपका यहाँ पर GPU एंड्रेनो है या माली है या पावर VR, तो आपको अपना GPU देख कर आपको याद कर लेना है आप लोगों का GPU क्या है। और प्ले स्टोर से आपको एक और एप्लीकेशन डाउनलोड करना है जिसका नाम है Z Archiver। आपको ये प्ले स्टोर में फ्री में मिल जाएगा, तो आप लोग वहां से जाकर इसको फ्री में इजीली डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बाद इसको ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद उस फोल्डर में चले जाइए जहां पर आप लोग गेम डाउनलोड करके रखते हैं। तो आपको कुछ इस तरह का GTA 5 मोडपैक बाय AndroidKing.7z का फाइल आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप लोग वहां से जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बाद इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर एक्सेप्ट हेयर और यहाँ से आपको पासवर्ड मांगेगा। तो यहां पर मैं जो लिख रहा हूं आप लोगों को सेम टू सेम यही पासवर्ड यहां पर लिख देना है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मैंने पासवर्ड लिख दिया है। तो यहाँ पर पासवर्ड है बाई एंड्रॉइड किंग मॉड्स, तो आप लोगों को सेम टू सेम यही पासवर्ड लिख देना है और उसके बाद यहाँ पर ओके पे क्लिक कर दीजिए। और 7z फाइल एक्सेप्ट हो जाने के बाद आपको इस तरह का फोल्डर मिल जाएगा, इसको ओपन कीजिए और यहाँ पर आपको दो फोल्डर मिलेगा, एक APK का और एक डाटा का। तो सबसे पहले आप लोग अपने APK वाले फोल्डर को ओपन कीजिए और यहाँ पर आपको APK फाइल मिलेगा, तो यहाँ पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर ओपन और इसको यहाँ से इंस्टॉल कर लीजिए। और APK को इंस्टॉल कर लेने के बाद यहाँ से बैक चले जाइए और यहाँ से आप लोग अपना डाटा वाले फोल्डर को ओपन कीजिए और यहाँ पर आपको com.rockstargame जो GTSA का फोल्डर मिलेगा इसको ओपन कीजिए और यहाँ से फाइल्स में जाइए और यहाँ से txdb और यहाँ से GTA 3 के फोल्डर में जाइए और यहाँ पर आपको जहाँ रीनेम लिखा हुआ है तो आपको यहाँ पर अपने GPU के अकॉर्डिंग यहाँ पर रीनेम करना है। तो मैंने आप लोगों को बता दिया था, आप लोग अपना GPU चेक कर लीजिए, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर रीनेम करना है। तो यहाँ पर लॉन्ग प्रेस कीजिए और यहाँ से रीनेम पे जाइए और यहाँ पर जो रीनेम लिखा हुआ है इसको यहाँ से हटा दीजिए। और अगर आप लोगों का यहाँ पर GPU एंड्रेनो है तो आपको यहाँ पर DXT कर देना है और अगर आपको यहाँ पर GPU माली है तो आपको यहाँ से ETC कर देना है और अगर आपको यहाँ पर GPU पावर VR है तो यहाँ पर आपको PVR कर देना है। तो मेरे यहाँ पर GPU माली है तो मैं यहाँ पर ETC कर दूंगा। तो आपको जहाँ जहाँ पे भी रीनेम दिखे तो आपको सभी को अपने GPU के अकॉर्डिंग रीनेम कर देना है। तो मैं जल्दी जल्दी सभी को रीनेम कर देता हूँ। और सारे फोल्डर को रीनेम कर लेने के बाद यहां से बैक चले जाइए और यहां से com.rockstargame जो GTSA वाले फोल्डर को यहां से कट कीजिए और फिर से यहां से बैक चले जाइए और यहां से आप लोग अपने एंड्रॉइड वाले फोल्डर को ओपन कीजिए और यहां पर डाटा और यहीं पर आके पेस्ट कर दीजिए और पेस्ट कर देने के बाद आप लोग अपना गेम को ओपन कीजिए। गेम को ओपन करने के बाद यहाँ पर ऑफलाइन पे क्लिक करिए और यहाँ से स्टार्ट गेम पे क्लिक कीजिए और यहाँ से आप लोगों का गेम स्टार्ट होने लगेगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर गेम स्टार्ट हो चुका है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आपको यहाँ पर बहुत ही अच्छा ग्राफिक्स मिल जाएगा।
तो चलिए अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ, अगर आपका गेम क्रैश करे तो आप लोगों को क्या करना है। तो फिर से आप लोग अपना जेड आर्चीवर को ओपन कीजिए, और जेड आर्चीवर को ओपन करने के बाद आप लोग अपना एंड्रॉइड वाले फोल्डर को ओपन कीजिए, और यहाँ से डाटा में जाइए, और यहाँ से आप लोग अपना com.rockstargame जो GTSA वाले फोल्डर को ओपन कीजिए। और ओपन करने के बाद आप लोग यहाँ से क्लियो मोड्स में आ जाएंगे, तो यहाँ से नीचे आइए, और यहाँ पर आपको दो फाइल मिलेगा, तो इन दोनों को यहाँ से डिलीट कर देना है। तो मैं यहाँ पर अभी इसको डिलीट नहीं करूंगा, अगर आपका यहाँ पर गेम क्रैश करे तो आप लोग इसको डिलीट कर देंगे तो आपका यहाँ पर गेम क्रैश नहीं होगा। और अगर आप लोगों को यहाँ पर वेपन सिलेक्टर यूज करना है तो मैं जहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ आपको भी वहीं पर क्लिक करना है, और यहाँ से आप लोगों का वेपन सिलेक्टर आ जाएगा, और यहाँ से राउंड करके आपको वो वेपन सिलेक्ट करना है, और उसके बाद यहाँ पर आपका टिक का साइन मिलेगा, यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, और यहाँ से आपको वो गन मिल जाएगा। और अगर आप लोगों को यहाँ पर GTA 5 का डॉग चाहिए तो यहाँ से स्वाइप डाउन कीजिए, और यहाँ पर आपको चॉप नाम का क्लियो स्क्रिप्ट्स मिल जाएगा, यहाँ पर क्लिक कीजिए, और यहाँ पर आपको क्रॉस का आइकॉन आ जाएगा, यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, और यहाँ से आपका GTA 5 का डॉग आ जाएगा। तो इसमें आप लोगों को बहुत ही सारा GTA 5 का चीज मिल जाएगा, जब आप लोग गेम को प्ले करेंगे तभी आप लोगों को खुद ही पता चल जाएगा आप लोगों को इसमें GTA 5 का क्या क्या मिलने वाला है। तो अगर आपको ये मॉड पसंद आया होगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू।